नमस्कार बंधुओं, आज मैं आप सबके लिए एक नया मुहावरा लेकर के आया हूँ। मुहावरों का प्रयोग सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वाले या लिखने वाले ही सिर्फ नहीं करते, बल्कि हमारी जिंदगी में यह इतना रच बस गया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी मुहावरे का प्रयोग बहुत आसानी से करता है और उसका अर्थ भी समझता है। आज का मुहावरा है अपना अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ है बहुत थक जाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। पहला वाक्य है, घर में वैवाहिक कार्यक्रम होने के कारण इतना दौड़ धूप करना पड़ा कि शाम होते होते मेरा अंग अंग ढीला हो जाता है। अब देखिए बंधुओं, इस वाक्य में अंग का ढीला होना मेहनत करना है, थकान से महसूस हो रही है। अब दूसरे वाक्य में देखिए, अरे आलसी, सुबह से एक भी काम नहीं किया फिर भी कह रहा है कि मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। इसमें देखिए, इस वाक्य में ताना मारा जा रहा है जिससे अर्थ से विपरीत अर्थ ध्वनित हो रही है। काम नहीं किया फिर भी अंग ढीला ढीला हो रहा है। अब तीसरे वाक्य में देखिए जनाब, नेताजी को आना था सुबह 9 बजे, आए दोपहर 1 बजे, इतनी देर बैठे बैठे सारा अंग अंग ढीला हो गया। अब इसमें बैठे बैठे ही थकान का भाव प्रकट हो रहा है। अब चौथे वाक्य में देखिए, एक महिला दूसरे महिला से क्या कहती है, बहन क्या बताऊं, मुन्ना सारी रात जागता रहा, उसके साथ मैं भी जागती रही, अब लग रहा है कि जैसे अंग अंग ढीला हो गया। इस वाक्य में रात भर जागने से थकान का भाव प्रकट हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि मुहावरे को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हर वाक्य में एक अलग भाव प्रकट होता है जो वाक्य को सुंदर एवं प्रभावशाली बना देता है। अब हम एक नए मुहावरे के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।